मस्जिद बन रही है, ईंटें मौजूद नहीं है, शहर में ईंटें मौजूद नहीं है, मौलवी साहब मस्जिद में मौजूद थे। बाहर से एक आदमी आया तो मौलवी साहब ने कहा बेटा तू बाहर खड़ा हो गया, अंदर क्यों नहीं आता? कहते नहीं मौलवी साहब मस्जिद है, मेरे पाँव में जूते हैं। मौलवी साहब ने कहा कोई नहीं जूती में आगे आ जा, जूती में आगे आ जा। क्यों? अरे ईंटें अभी नहीं लगी, अभी फर्श नहीं लगा, गारा पड़ा हुआ था, सीमेंट पड़ा हुआ था, बिजली मौजूद थी, बजरी और सीमेंट मौजूद है, अरे उखड़ा हुआ माल मौजूद था, तो ये जूते पहन के आया ना। पुलिस वाले का आगे आ जा, अरे जूते पहन के आ जा, ये 100 रुपया फल लेकर आया और मस्जिद में आया जूते पहन के। और यही आदमी एक साल बाद आया, तवज्जो रखना, एक साल के बाद आया, मस्जिद का फर्श बन चुका है, ऊपर करीम बिछा पड़ा है, ये बाहर खड़ा है। पुलिस वाले का क्या हुआ? कहते जी अंदर आ लो। पूछा किस लिए? कहता मैंने चंदा देना है। पुलिस वाले का कौन सा? कहते 10 बोरी सीमेंट की देनी है। ये जूते पहन के अंदर आया और अपने एक कमर पे खुद इसने सीमेंट की बोरी रखी है, 9 सीमेंट की बोरियां मजदूर के कमर पे रखी है। बोलचाल का बाहर खड़ा हो जा, अरे जूते बाहर के अंदर ना आना, बाहर खड़ा जा। कहते क्यों? बोलचाल का ना आना, जूते पहन के आना बेअदबी है। ये बेवकूफ कहने लगा अच्छा पिछले साल पैसिया की लोड़ थी, क्या कह जी जूती पा के आ जा, मस्जिद बढ़ गई चंदे की लोड़ नहीं। कहते बाहर खड़ा हो जा। नहीं समझे कि अंदर पिछले साल पैसे लोड़ थी, कहने अंदर आ जा, जूती आप आ गया होना नहीं, बाहर खड़ो जा। अमौली साहब पैसे की लोड़ मुक गई, तुझे अंदर आऊं तो बंद किया। अमौली साहब कहने ही नहीं, बेवकूफ आदमी गुज़श्ता साल मस्जिद जेरे तामीर थी, हमने कहा जूता पहन के आ जा, मस्जिद तामीर हो गई, अब हमने कहा जूता पहन के ना आया। फिर मैं भी कहता हूं जब दीन की तामीर चल रही है, यही नमाज अल्लाह के पैगंबर की है, अरे दो रकात को पढ़ा वितर की 3 रकात है, 2 रकात को पढ़ा सलाम फेर दिया, फिर खड़े होकर 1 रकात को पढ़ लिया, क्योंकि तामीर के दिन है। साहबी रसूल आया, ये कौन सी रकात है? पूछ लिया तामीर के दिन है। साहबी रसूल आया, अस्सलाम वालेकुम, नमाज अल्लाह का, वालेकुम अस्सलाम, अरे तामीर के दिन है, आया रब्बुल यजैम कर दिया, तामीर के दिन है, अल्लाह के पैगंबर आए। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, जाबिर बिन सबरा ने कहा रजी अल्लाह अन्हु, खरज अलैना रसूलुल्लाह, कहते पैगंबर बाहर तशरीफ लाए, हम नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया माली अराकुम राफी अयदीकुम कान्ना अज़नाबु खैलिन शमसिन। पैगंबर ने फरमाया ये तुम क्या रफ्फुल यदैन कर रहे हो, अरे घोड़े शरीर की तुम किधर हरकत कर रहे हो, उसको लो फिसला, तुम नमाज में सुकून इख्तियार करो। फौरन सवाल हो गया वो जी पहले इजाजत क्यों थी, पहले इजाजत क्यों थी? मैंने कहा भी पहले तो बात भी कर लेते थे, पहले तो सलाम भी कर लेते थे, पहले तो रकात भी पूछ लेते थे, पहले तो पीछे नमाज में खड़े होते और रुकू में चलते हुए नमाज में शामिल भी हो जाते थे, पहले तो ये भी कर लेते, अब क्यों है? मैंने कहा पहले नमाज की तकमील का दौर, तामीर का दौर था, जब तामीर हो रही थी फिर सलाम कहने की भी इजाजत है, फिर बोलने की भी इजाजत है, 3 रकात भीतर 2 सलाम से भी इजाजत है, अरे फिर सलाम करके हाथ उठा के जवाब देने की भी इजाजत है, अरे रुकू में खड़े होके जिस लंबी करा ये सबों में चीर के आने की ये भी इजाजत थी, जब नमाज तामीर थी रफ्फुल यदैन की भी इजाजत थी, जब नमाज की तामीर मुकम्मल हो गई अब सलाम भी खत्म हो गया, अब रफ्फुल यदैन भी खत्म हो गया, पहले वो भी जायज था, अब यह भी जायज नहीं है। वो अब जो जवाब तुम दोगे वही जवाब हम देंगे। अब कहता जी वो अमल तो खत्म हो गया, मैंने कहा फिर सुन्नत तो नहीं है ना? कहता जी हाँ। मैंने कहा फिर ये खत्म हो गया, फिर सुन्नत तो ये भी नहीं है, सुन्नतों के दोनों ना हुए ना? अल्लाह के पैगंबर काम करे और पैगंबर तरक फरमा दे, इसके नाम तो सुन्नत नहीं है। तवज्जो रखना, मैं ये कह रहा था नंबर एक मसला ये कि सुन्नत किसे कहते हैं। अगर सुन्नत से मुराद सुन्नत पैगंबर है फिर माना अलग होगा, अगर सुन्नत से मुराद सुन्नत पैगंबर नहीं है बल्कि सुन्नत से मुराद अरे दीन शरीयत है फिर माना अलग होगा। तुम तो